यो भाई लोग, तो मैं वापस आ चुका हूँ एक और वीडियो लेकर अपने इंडस बैटल रॉयल गेम की। तो यार ये वाली वीडियो ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को गाइस अच्छे से पूरी देखना, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो यार बात करने वाले हैं आज की वीडियो में हम अपने जो न्यू कैरेक्टर रिवील हुआ है ना इंडस का, भाई उसकी स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही में हम कुछ गेम प्लेस देखने वाले हैं उसके, और आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ अपने इस न्यू कैरेक्टर के बारे में एंड कैसे अपना इंडस गेम इंडियन हीरोज को रिप्रेजेंट करता है अपने इंडस गेम में। चलो फिर शुरू करते हैं वीडियो को। सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ऑल पे कर लेना। तो देखो, आप सबको तो पता ही है इंडस का जो मेन फोकस है ना वो अपने इंडियन आर्ट कल्चर और हेरिटेज पे रहता है। और आप सभी को पता है ऐसे कितने सारे रियल लाइफ इंडियन हीरोज हैं जिनको कि कोई आजकल जानता भी नहीं है, एंड मतलब जितना वो डिजर्व करते हैं उतना उनको फेम वगैरह कभी मिला नहीं है। अगर हम ही भाई अपने इंडियन साइंटिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन और बाकी लोगों को ऑनर नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? कब तक भाई बाकी कंट्रीज के आइंस्टाइन और रोनाल्डो को प्रेस करते रहेंगे? मतलब वो भी अपनी जगह पे सही है, बट भाई अपने इंडियन हीरोज को क्या, जिनको कोई इतना प्रेस करता नहीं है, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो यही चीज गाइस अपना इंडस गेम कर रहा है पोखरान कैरेक्टर के थ्रू। ये वाला वैरेक्टर है ना भाई गेम के अंदर डाला गया अपने होमी जे बाबा को श्रद्धांजलि देने के लिए। और अगर आपको होमी जे बाबा के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं भाई, वो थे भाई अपने फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। आपने भाई ये वाले कैरेक्टर का ना थोड़ा सा तो प्रीव्यू देख लिया होगा अपने टूर्नामेंट वगैरह में, एंड अगर आपने वहां नहीं देखा था तो भाई मैंने ऑलरेडी चैनल पे दिखा रखा है इसका गेम प्ले, एंड बैकग्राउंड में तो मैं चला ही दूंगा, आपको टेंशन की बात ही नहीं है। जब तो भाई ये वाला कैरेक्टर आपने थोड़ा बहुत देखा था, बट अब ये फाइनली गेम के अंदर आ चुका है। फाइनली जब भी गेम आएगा ये वाला कैरेक्टर प्लेएबल होगा, हम इसको खेल पाएंगे, देख पाएंगे अच्छे से। ये कैरेक्टर का नाम भाई पोखरण है। तो पोखरण भाई एक जगह है जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। वहां पर भाई इंडिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट हुआ था, जो कि हुआ था 1974 में। भाई इंडिया के लिए तो ये एक माइलस्टोन मोमेंट था, तो उसी माइलस्टोन को भाई इंडस ऑनर कर रहा है अपने गेम के अंदर पोखरण कैरेक्टर के थ्रू। अब बात करते हैं कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर की स्टोरी इंडस में क्या है तो उसको समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, मजा आने वाला है। पोखरण भाई रोबोट हुआ करते थे जो कि ना यक्षा जो थे अपने इंडस प्लेनेट पे काफी पहले रहते थे, जो बाद में वो इंडस प्लेनेट से समाप्त हो गए थे। अब क्या रीजन था वो तो नहीं पता, बट जो पोखरण थे वो रोबोट थे यक्षास के। जो यक्षा सिविलाइजेशन थी ना उनको पोर्टेबल पावर की जरूरत पड़ती थी डेवलपमेंट वगैरह करने के लिए। वैसे तो वो लोग पावर सोर्स के लिए ना कॉस्मियम का यूज करते थे, बट सारी जगह पे सारे एरियाज में ना कॉस्मियम का यूज नहीं हो पाता था, क्योंकि कॉस्मियम को पावर सोर्स की तरह हैंडल करना ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और रिस्की था, तो हर जगह उसका यूज नहीं किया जाता था। इसलिए पोखरण रोबोट को बनाया गया था। पोखरण एक पोर्टेबल पावर स्टेशन की तरह काम करता था, उसके पेट में एक पोर्टेबल एनर्जी रिएक्टर है और पोखरण हर जगह पे जा सकता है ताकि उस जगह पर पावर पहुंचाई जा सके। जब काफी सालों बाद यक्षा सिविलाइजेशन खत्म हो गई थी ना, तो तब ये पोखरण रोबोट ना ब्लैक मार्केट में बेचे जाने लगे थे। एंड भाई जब पता लगा अपने कोवंस को, जो कि एक्चुअली कॉस्मियम चाहते हैं, मिथ वॉकर्स को भेज के मंगवाते हैं, जब उनको पता चला ये इसके बारे में कि रोबोट्स मिल रहे हैं पोखरण वाले, तो उन्होंने इसको मिथ वॉकर्स के लिए एक अवेक्टर बना दिया उनके कॉस्मियम के काम के लिए। तो ये थी अपनी पूरी स्टोरी कैरेक्टर के बारे में, इसकी लोर वगैरह मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं इसमें इंडियन हीरो कैसे आए। ऐसा कहा जाता है कि पोखरण को बनाने वाले और कौन नहीं बल्कि साइंटिस्ट होमी जे बाबा थे, जो कि इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड भी थे। उनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बनाने में। वैसे तो रियल लाइफ में होमी बाबा की डेथ एक प्लेन क्रैश में हो गई थी, बट इंडस की स्टोरी में इसको ऐसा दिखाया गया कि उनको कुछ मिथ वॉकर्स ने रेस्क्यू कर लिया था और उनको इंडस प्लेनेट पर लेकर आ गए थे। वहां भाई उन्होंने पोखरण को क्रिएट करा। पोखरण को बनाने के लिए इंस्पिरेशन थी भाई अपनी पोखरण जगह, जो कि राजस्थान में है, जहां पर इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। तो भाई ये थी अपनी न्यू कैरेक्टर की स्टोरी, जो भी चीजें थी सारी कुछ मैंने आपको बताई। तो भाई सही में बताऊं तो मुझे तो अब ये वाली स्टोरी सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, और भाई मेरे से तो सबर हो नहीं रहा कि इस कैरेक्टर को भाई जल्दी से जल्दी मैं इंडस गेम आया उसमें यूज करूं, मजा आने वाला है। अब भाई सबसे सही चीज मेरे को ये लग रही है, जो हमारी इंडस टीम है वो अपने इंडियन हीरोज को रेस्पेक्ट पे कर रही है। जैसे कि पहले हीना सिद्धू का कैरेक्टर इसमें हमें देखने को मिला था, जिससे कि भाई बहुत लोग जाने थे हीना सिद्धू को भी, एंड साथ ही में उनको और भी ज्यादा रेस्पेक्ट मिलनी शुरू हो गई थी। अब उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर होमी भाभा इसमें हमें देखने को मिलेंगे, तो इससे ज्यादा प्राउड की बात क्या हो सकती है भाई। तो यार आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नहीं तो यार कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पे कर लेना ऐसी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।